सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है और कमीशन के साथ साथ कितना ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि एक सीएसपी संचालक के लिए इंसेंटिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से चाय में चीनी का, क्योंकि इंसेंटिव में मिलने वाला पैसा वो पैसा है जो कि एक सीएसपी संचालक के प्रति माह का जो सैलरी होता है, जो तनख्वाह होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर देता है। क्योंकि कमीशन तो आपके काम करने का कमीशन मिलता है, जितना बिजनेस करते हो उसका कमीशन मिलता है, लेकिन जो इंसेंटिव मिलता है वो एक तरीके का रिवार्ड होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग के मन में इस तरीके का सवाल है कि आखिर कितना सैलरी मिलता है सीएसपी संचालक का, कितना ज्यादा उसे कमीशन मिलता है और इंसेंटिव कितना मिलता है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि आप लोग को यहां पर अकाउंट ओपनिंग से लेकर के एपीएस से लेकर के मनी ट्रांसफर से लेकर के बीमा से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के जितना भी एसबीआई सीएसपी में कमीशन मिलता है सारा डिटेल से आप लोग को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। सबसे ज्यादा लोगों का डाउट यह होता है कि जब कोई बंदा एसबीआई का सीएसपी पॉइंट या बीसी पॉइंट लेता है तो उसे बैंक की तरफ से कितना सैलरी मिलता है। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं कि यहां पर बैंक की तरफ से कोई भी एक रुपए का सैलरी नहीं मिलता है। यहां पर अगर सीएसपी संचालक मान लीजिए अगर काम करता है, बिजनेस करता है सीएसपी में, तो भी उसको कमीशन मिलेगा और काम जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा उसे इंसेंटिव एक रिवार्ड के टाइप का एक पैसा अलग से दिया जाता है। बात बाकी बैंक की तरफ से मंथली के हिसाब से कोई भी सैलरी नहीं दिया जाता। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पर या फिर कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि लोग ये कहते हैं कि एसबीआई का सीएसपी बनिए और 30,000-35,000 रुपया प्रति मंथ कमाइए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए आप लोग को देखिए कम से कम महीने में 30 दिन आप लोग को सीएसपी बीसी पॉइंट अपना ओपन कर रखना होगा और साथ में 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअसली एकदम काम करना होगा, तभी आप 25 से 30-35 हज़ार रुपया तक कमा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अगर आप एसबीआई सीएसपी में किसी ग्राहक का अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग को कितना कमीशन मिलता है, यानी सीएसपी संचालक को कितना कमीशन मिलता है। तो आप लोग को बता दें कि अगर आप किसी ग्राहक का अगर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो एसबीआई सीएसपी के थ्रू, तो एसबीआई सीएसपी संचालक को 11 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 100 रुपये 200 रुपये मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसबीआई सीएसपी संचालक को मात्र एक सेविंग अकाउंट ओपन करने का 11 रुपए का ही कमीशन मिलता है। इन सवाल की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि एसबीआई सीएसपी के थ्रू जब किसी बंदे का आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं यानी अंगूठा लगा करके, तो उसे कितना कमीशन मिलता है। तो आप लोगों को बता दें कि ये देखिए 2-3 फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है। पहला देखिए, यहाँ पर कमीशन तो बंदा को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का अगर कैश विड्रॉल कर रहा है तो सीएसपी संचालक को यहाँ पर 7 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी कमाई तब होगी जब आप लोग का 100+ ट्रांजेक्शन होंगे। और यहाँ पर जो इंसेंटिव मिलता है, देखिए यहाँ पर इंसेंटिव भी मिलता है बैंक की तरफ से, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका सीएसपी किस एरिया में है। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में सीएसपी रन कर रहे हैं तो वहाँ का इंसेंटिव अलग मिलेगा, कमीशन तो सेम रहेगा। और अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं यानी कि शहरी क्षेत्र से हैं, तो वहाँ पर देखिए कमीशन तो सेम मिलेगा लेकिन इंसेंटिव अलग रहेगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में इंसेंटिव अलग अलग मिलता है। देखिए अगर आप 100+ ट्रांजेक्शन करते हैं एपीएस के थ्रू, तो यहाँ पर आप लोग को अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है। देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 100+ अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोग को 1473 रुपये का बैंक की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप लोग को 1500 रुपये के आसपास आप लोग को इंसेंटिव मिलता है। बाद बाकी जब आप जो है कि एपीएस के थ्रू जो कमीशन मिलता है वो अलग मिलता है और यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो अलग मिलता है। तो ये देखिए कमाई हो गई एपीएस के थ्रू सीएसपी संचालक की। और एक और सबसे धमाकेदार कमाई होती है एसबीआई सीएसपी संचालक के पास, वो है पासबुक प्रिंटिंग का। देखिए अगर आप एसबीआई सीएसपी संचालक बनते हैं तो अगर आपको देखिए आज के समय में एसबीआई सीएसपी संचालक अगर आप बन रहे हैं तो आप लोग को पासबुक प्रिंटिंग मशीन लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है। देखिए अगर आप किसी भी बंदे का अगर पासबुक प्रिंटिंग करते हैं एसबीआई जो है आपके अपने प्रिंटर के थ्रू, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर 3 से 3.5 रुपये का कमीशन मिलने वाला है एक पासबुक प्रिंट पर, जो कि काफ़ी अच्छा मनी है एक केवल प्रिंटिंग को लेकर के। ठीक है, और जब आप पहली बार देखिए प्रिंटर लेते हैं तो आप लोग को पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ प्रति माह जो है कि 642 रुपये प्रिंटर का पैसा आपको रिफंड किया जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके तो आपके प्रिंटर का पैसा भी निकल जाता है, साथ में आपको 3.5 रुपये प्रति पासबुक प्रिंटिंग का भी कमीशन मिलता है। तो ये है देखिए, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा जो है
सीएसपी संचालकों के ऊपर प्रेशर आता है वो है बीमा करने का। देखिए बीमा करने का, क्योंकि देखिए बीमा के थ्रू भी एसबीआई बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता है। तो एसबीआई में फिलहाल दो तीन तरीका का बीमा चला है, जैसे कि अटल पेंशन योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना, साथ में पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीएम जो है जीवन ज्योति योजना के तहत अगर आप किसी का बीमा करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 11 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप पीएम जो है सुरक्षा बीमा योजना करते हैं जिसमें 12 रुपये प्रति माह जो प्रति साल जो कटता है, ठीक है, तो इसमें एक बंदे का अगर आप करते हैं तो आपका 70 पैसा का यहाँ पर कमीशन बनता है, यानी कि 1 रुपये से भी कम का कमीशन यहाँ पर बनता है आपका। तो यही देखिए कमीशन है, यही देखिए सैलरी है एसबीआई सीएसपी संचालक की, जो कि बैंक की तरफ से कुछ भी सैलरी नहीं मिलता है, टोटली डिपेंड होता है एसबीआई सीएसपी संचालक के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा काम करता है। होप इस वीडियो से आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।